मेरी सिस्टर और मुझ में ब्यूटी को लेके बहुत बड़ा गैप है. शी इज वेरी फेयर एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल. बट यू आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. क्या बोलते हो लड़के कितने कितने झांक झांक के देख रहे हैं वहां. अरे कौन है भाई. तो वो जो हमारे अंदर नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं या फिजिकल अपीयरेंस को लेके या किसी भी चीज को लेके जो वीकनेस होती है उसको स्ट्रेंथ में कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग. कुछ चीजें हैं जो हम बदल सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो हम नहीं बदल सकते. फॉर एग्जाम्पल लुक्स हमारी, उसको भी कुछ हद तक हम बदल सकते हैं बट पूरी तरह से नहीं बदल सकते. और अगर हम इस तरह से बदलने की कोशिश भी करते हैं तो हम अपनी इनसिक्योरिटीज को और बढ़ाते चले जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल काले गोरे का बहुत होता है यहाँ पर इंडिया में. आपको कोई आकर के बार बार जता रहा है कि भाई आप काले हो काले हो काले हो, तो आप चाहो तो गोरे हो तो सकते हो, इतनी सारी फेयरनेस क्रीम्स और ये वो. लेकिन गोरे होने के बाद भी अगर वो लोग आकर के आपको बोल के चले जाएंगे यार पहले ही बेटर थे, ये क्या कर दिया, अब तो आपकी और धज्जियां उड़ गई, क्योंकि यू आर एक्टिंग आउट ऑफ लोअर सेल्फ एस्टीम. आप समझ गए, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है. ये जो परफेक्शन दिखाई जाती है ना, ये सिर्फ मूवीज में दिखाई जाती है. इन रियलिटी नोबडी इज परफेक्ट. हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है. जो हो सकता है स्क्रीन पे आकर के वो ऐसे दिखा देगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, और उसी स्क्रीन से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपनी परफेक्ट एक उसकी डेफिनेशन बना लेते हैं. परफेक्ट लुक्स ऐसी होनी चाहिए, बॉडी ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए. अंदर से हमें नहीं पता कि उस बॉडी को तो उस पर्सन ने ठीक कर लिया है, माइंड के लेवल पे कितनी प्रॉब्लम हो गई, वी डोंट नो दैट. बट अगर राजपाल यादव खुद को एक्सेप्ट ना करे और ऐश्वर्या के जैसा बनने की कोशिश करे लुक वाइज भी और हाइट वाइज भी तो उसकी धज्जियां उड़ गई, राजपाल यादव खो जाएगा और ऐश्वर्या कभी बन ही नहीं पाएगा. अगर राजपाल यादव खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले जैसा वो है उस तरीके से, तो क्या फाइनेंशियली वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है किसी और से, किसी ऐसे पर्सन से जो लुक वाइज राजपाल यादव से बहुत बेटर है. ऐसे जानते हो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्ट्रगलर्स हैं बॉलीवुड में जो लुक वाइज बड़े कमाल के हैं, बहुत अच्छी बॉडी बना ली है कुछ है, खाली बैठे हैं धक्के खा रहे हैं. और दूसरी तरफ से ऐसे हैं जो लुक वाइज इतने बढ़िया नहीं है, नाम नहीं लूंगा किसी का, आई विल नॉट टेक नेम्स, और वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. तो वो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो जो बॉडी बना रहे हैं वो खुद को नहीं देख रहे हैं कि मेरे में क्या स्ट्रेंथ है, बस स्क्रीन पे देखा किसी को और उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं. दे वॉन्ट टू बी लाइक दैट. अगर वो खुद को देख लें और फिर एक्ट करें तो हो सकता है वहां से कुछ कमाल का निकल के आ जाए. तो सबसे पहला जो स्टेप है कुछ भी बदलने का या कुछ भी करने का, दैट इज टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ योर सेल्फ. उसमें क्या क्या आ गया, मेरी अच्छाइयां भी आ गई, बुराइयां भी आ गई, मेरी स्ट्रेंथ भी आ गई, वीकनेसेस भी आ गई. अगर आप काले हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वीकनेस है, और गोरे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रेंथ है. मतलब यहां कचरा भरा पड़ा है हमारे. अगर आप एक्सेप्ट कर लो अपने आप को जैसे आप हो, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आप उससे बहुत ज्यादा सुंदर लग सकते हो जो बहुत गोरे हैं. क्योंकि रियल ब्यूटी है क्या, इट इज ऑल विद इन, इट इज डीप विद इन. अब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें क्या काला क्या गोरा, जो बच्चा खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है तो हर एक का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है. वो जो एक खुशी होती है अंदर से वो हमको अपनी तरफ खींच लेती है. तो खुशी कहां से आती है, एक्सेप्टेंस है. जो भी आपने क्वेश्चन बोला था उसका आपको आंसर क्लियर कट मिल गया है. तो जैसे आप हो, आई एम नॉट किडिंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, आप बहुत सुंदर हो. तो कभी भी ये मत कहना कि नहीं मैं उसके कंपैरिजन में, वो कैसी है क्या नहीं पता नहीं, फोटो वोटो दिखा दो ऐसे हमने तारीफ करी है तो. सो वट एवर दैट पर्सन इज, हूएवर दैट पर्सन इज, योर फ्रेंड और रिलेटिव और ब्रदर और सिस्टर, वट एवर इट इज, नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. इफ यू डीपली विद इन, डीप विद इन, अगर आप किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करते हो तो आप सुंदर हो, वो असली सुंदरता है.